कितना मेरी होंगी ना, मैं कितना भी बताऊं। चलो गुड मॉर्निंग, कितना बेटा ये भूल गए क्या? नहीं यार, है ना। चलो गुड मॉर्निंग, कितना बेटा अच्छा भाई लिख दिया। सब भूल गया, सब भूल गया। क्या आपके डिपेंडेंट हम नहीं है? तू जल्द से बंद कर दो क्या? जाहिल लोग एकदम जाहिल हो गए। अरे बेटा ऐसे। हां तो लास्ट टाइम कौन सा क्वेश्चन किया था हम लोग ने? बोलो बोला रहेगा क्वेश्चन में, बोला रहेगा स्पेसिफाई क्या विड्रोवल, तो विड्रोवल का एंट्री क्या होता है? उसमें कितनी एंट्री होती है? पहला एंट्री होगा क्या? नहीं। अच्छा दूसरा एंट्री उसका नाम क्या, मतलब एंट्री क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश कैपिटल। अच्छा कौन से पार्टनर? इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो, देखो मेथड नंबर 2 में ओल्ड रेशियो है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? राइट ऑफ। कौन सा राइट ऑफ का एंट्री क्या होता है? कैश कैपिटल अकाउंट डेबिट, ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। ये कौन से पार्टनर? लास्ट बैंक बेटा, कैश बैंक नहीं है वो, कौन सा अकाउंट है? अच्छा ये कौन सा पार्टनर? न्यू पार्टनर। इन विच रेशियो? न्यू रेशियो। ठीक है, गुडविल का रिवीजन होगा। उसके बाद मैंने बताया गुडविल का वो कैलकुलेशन बनाया था, आप लोगों को पता होगा। तो चालू ही है उसको। उसके बाद बताया मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था गुडविल का। अच्छा गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्लियर परचेस। पता है उसके बाद हम लोग गुडविल फाइंड आउट करते थे, एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू ऑल प्रॉफिट माइनस ऑल लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। ये भूल गए क्या? नहीं याद है ना। चलो ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 5, सब लोग क्या हाथ में हथियार होने चाहिए? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ू? पढ़ू ना, बुरा नहीं लगेगा ना। चलो क्या लिखा है? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ माधुरी एंड मनीषा, माधुरी एंड मनीषा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, अंडरलाइन 3:2, एंड राइट डाउन विच रेशियो इट इज। ओल्ड रेशियो। As on 31st March 2019, balance sheet as on 31st March 2019. चलो सबसे पहले liability side पे देख लेते हैं क्या लिया है उन्होंने। Capital account माधुरी and मनीषा कहाँ जाएगा सर? इसलिए partners capital की उनसे side पे, credit side पे। अच्छा सुंदरी creditors और bills payable कहाँ जाएगा? सुंदरी creditors and bills payable कहाँ जाएगा? Liability। चलो assets side पे आते हैं। Building प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, ये सब कहाँ जाएगा? अच्छा सर आरबीडी पहले से दिया है उन्होंने, तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग। अरे है ना, हम लोग भी किया था एक बार, चलो वापस से कर लेंगे, कोई बात नहीं। बैंक कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस, कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है कैश बैंक अकाउंट। फर्नीचर, वेरी गुड। उसके बाद क्या बोला है? ऑन 1st April 2019 मोहिनी, किसको एडमिट किया बेटा? मोहिनी। 1st April 2019 मोहिनी is admitted on the following terms. She is to pay
1 lakh as her capital, मतलब कहने से entry of capital हो गया, अरे capital लेकर आ रही, कितना capital लेकर आ रही है, and मतलब sentence पूरा correct है, and 40,000 as her share of बताओ goodwill का कौन सा method, first या second, बेटा first method, कैसे पता चला, because उन लोग ने बोला है कि वो capital भी लेकर आ रही है और साथ ही साथ क्या लेकर आ रही है, goodwill भी लेकर आ रही है, मतलब goodwill का कौन सा वाला method सर, brought in cash वाला method, अच्छा brought in cash में दो entry compulsory होगी, पहला कौन सा सर, cash में account debit to goodwill और दूसरा उसको distribute कर देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, new profit sharing ratio is to be 5:3:2 मतलब सर यहाँ क्वेश्चन में अपने को न्यू रेशियो फाइंड आउट करने की जरूरत है, न्यू रेशियो लोग हैं तो यहाँ अपने को सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, अरे सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो कैसे हो सकता है यार, निकालो देखो फटाफट देखो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सब भूल जाते हो, सब भूल जाते हो, स्टार्टिंग में लिखा है एडिशन ऑफ पार्टनर्स जब हम लोग ने किया था, देखो रेशियो में ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, मतलब यहां क्वेश्चन में देखो न्यू रेशियो अपने को दिया है, ओल्ड रेशियो भी अपने पास है, तो मुझे सैक्रिफाइस रेशियो इस बार कुछ शॉर्टकट से नहीं चलेगा रे बाबा, इस बार क्या करना पड़ेगा अपने को, कैलकुलेट करना पड़ेगा, अरे सैक्रिफाइस रेशियो अपने को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है सर, क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज़ सर क्वेश्चन में आईपीएस दिया है, असेट्स आर टू बी वैल्यूड एज अंडर बिल्डिंग 1 lakh, प्लांट एंड मशीनरी 48,000, ऊपर जाने का और टिकली किसको करने का, टिकली किसको करने का, ऊपर जाने का, बिल्डिंग को टिकली करो, प्लांट एंड मशीनरी को टिकली करो, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है, आरटीडी टू बी इंक्रीज अप टू 4,000, मतलब आरटीडी इंक्रीज हो गया, ऊपर जाने का टिक मार्क करने का, किसको टिक मार्क करने का, डेटर को टिक मार्क करने का, किसको टिक मार्क करने का, डेटर को टिक मार्क करने का, उसके बाद क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 5, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन द हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है, आधा गुडविल उन लोग ने बिजनेस में रखा, तो बेटा आधा गुडविल क्या हो गया, विड्रॉवल, आधा गुडविल क्या हो गया, बेटा अगर कोई लड़की को आपने प्रपोज किया है, लड़की ने बोला ना, तो इसका मतलब क्या होता है, हाँ भी नहीं है ना, है ना, हाँ भी नहीं है, तो यही होता है बेटा, उन लोग ने क्या बोला, हाफ ऑफ द अमाउंट शुड बी रिटेन इन द बिजनेस, मतलब गुडविल में, गुडविल बिजनेस में रिटेन होगा आधा, तो बेटा आधा उसका मतलब क्या हो गया, आधा क्या हो गया, उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया, अरे समझता है क्या, तो इसमें बताओ सर मेथड नंबर 1 में कितनी एंट्री आएगी, कितनी एंट्री आएगी, पहला दूसरा और नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स शुड बी रीवैल्यूड 66,000, ऊपर जाने का टिकली करने का, किसको टिकली करने का, सन्ड्री, अरे समझा क्या, मुझे तो सर यहाँ अपने को पहले हम लोग यहाँ जैसे रेशियो लिखते थे वैसे रेशियो लिखना पड़ेगा, मतलब ओल्ड रेशियो क्या, 3:2, बेटा यहाँ न्यू रेशियो अपने को दे दिया है बेटा, कितना, 5:3:2, बेटा अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस, इधर अभी हम लोग बोल नहीं सकते सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, क्यों, बिकॉज सर सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो तब होगा जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और क्या दिया रहेगा, आईपीएस हमने को दिया है क्या, ठीक है, बताओ सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस, अच्छा सैक्रिफाइस किस किस से किया सर, ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है, ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है, माधुरी, माधुरी बेटा, माधुरी, माधुरी का निकलेगा और मनीषा का निकलेगा, अच्छा मिलोनी का निकलेगा क्या, नहीं, अरे मिलोनी का निकलेगा क्या, नहीं, बेटा वो तो इनकमिंग पार्टनर है, ठीक है, माधुरी का देखते हैं, माधुरी का, माधुरी का कितना है बेटा, 3:5 ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो कितना है, 5:10 है ना,
हाँ ऐसे निकल देगा, बताओ क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस करेगा माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अरे ना सब हाई बोल रहे हैं, आता है ना आप लोग को बेटा मैथ्स, अगर नहीं पढ़ा तो स्कूल में आएंगे क्या करने का बेटा, 10 3 सा मेरे को नहीं आता लेकिन 10 3 सा 30 माइनस 5 5 सा 25 डिवाइडेड बाय 15 क्या बात है, क्या बात है, कितना 5 अपॉन 12, इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, कितना आएगा 1 अपॉन 10, ठीक है चलो आप लोगों ने बोला इसलिए मैंने सिंपलीफाई कर दिया, बाकी बात माधुरी की बात बोले मनीषा, तो क्या मनीषा को M2 नाम दे दूं, बड़ा पूरा नाम लिखे M2 नाम दे दूं, ठीक है बताओ कितना 2 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 10 इक्वल टू 20 माइनस 20 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 50 कितना आया बेटा 5 अपॉन 50 कितना आएगा 1 अपॉन 10 ओ माय गॉड मतलब कैन आई से सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू 1:1 ये समझ गया सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू 1:1 इज दैट क्लियर यस पक्का यस ओके मतलब अपने को सैक्रिफाइस रेशियो कितना मिला सर 1:1 कोई डाउट शंका पक्का अभी क्या करेंगे सर हम लोग अपने अपने को सैक्रिफाइस रेशियो मिल गया अभी वो जर्नल एंट्री करेंगे आता है आप लोगों को जर्नल एंट्री बेटा जर्नल एंट्री नहीं आता है आता है मेरे पास जगह नहीं है तो भी करो सर तो भी लगाओ है ना तो भी लगाओ पैसा नहीं आपको पैसा क्या है पहला कैपिटल गेन क्या मतलब कैपिटल गेन एंट्री क्या होगा कैश बैंक टू गुडविल कैसे आएगा बेटा क्या है कैश बैंक टू मोहिनी ना मोहिनी सॉरी मैं बिलोनी बिलोनी बोल रहा था मोहिनी इज कैपिटल एम3 इज कैपिटल बताओ सर कितना वन लाइक सर ये किसका एंट्री हुआ कैपिटल का एंट्री सर गुडविल का भी एंट्री आएगा पहला बताओ सर गुडविल का एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू वेरी गुड कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट अमाउंट कितना बेटा 40000 वेरी गुड 40000 बेटा ये वर्किंग नोट है ना अरे वर्किंग नोट है वर्किंग नोट पे नरेशन लिखना होता है क्या अगर जर्नल एंट्री बोला प्रिपेयर जर्नल एंट्री तो नरेशन लिखने का बट ये वर्किंग नोट है ठीक है नेक्स्ट सर गुडविल का एंट्री नंबर 2 बताओ कितना है गुडविल को डेबिट करना पड़ेगा है ना अरे गुडविल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू माधुरी 1 सॉरी एम 1 और M2 is capital सर कौन सा रेशो अरे गांव वाला कौन सा रेशो सैक्रिफाइस रेशो कौन सा रेशो सैक्रिफाइस रेशो बताओ सर गुडविल का अमाउंट कितना है 40000 तो कितना आएगा 20000 एंड 25000 अरे समझे वाला अच्छा लास्ट वाला एंट्री उन लोगों ने क्या बोला विड्रॉल और आधा बोला आधा आधा मतलब सर 40000 में से कितना विड्रॉ होगा 20000 उसमें से 10 को लेकर जाएगा माधुरी और 10 को लेकर जाएगा मनीषा इज दैट क्लियर बताओ सर पैसा लेकर गए मतलब पैसे गया है ना विड्रॉ का एंट्री सर हमेशा हम लोग नहीं करते क्वेश्चन में बोला तो नहीं करेगा ठीक है लाल इश लाल इश कौन गिर गया सुबह चलो बताओ क्या एंट्री क्या है M1's capital account debit M2's capital account debit to cash slash bank account sir कितना amount आएगा तो 10,000 10,000 और total is बेटा half बोला है ना लोगों ने बोला आधा goodwill business में retain हुआ इसका मतलब क्या होता है बेटा आधा goodwill क्या हो गया withdrawal हो गया distribute नहीं बेटा withdrawal हो गया क्या हो गया सबसे पहले क्या करेंगे पोस्टिंग करेंगे अरे ना चलो बताओ सबसे पहले क्या कौन सा साइड लायबिलिटी साइड ठीक है चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा नाम क्या है बेटा एम वन एम टू एम थ्री बेटा इनकमिंग पार्टनर है स्टार मार्क कर देने का एम वन एम टू एम थ्री
एक दिन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट बताओ, अभी क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखा है बेटा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है सर? 80,000 और कितना है? 1 लाख। ठीक है, 80,000 है, 1 लाख। नेक्स्ट क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स। यार जोश लाओ यार, क्या सुबह सुबह सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी में क्या लिखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स इनर आउटर। इनर कितना है बेटा? सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000। ओके, इनर कॉलम में लिखा बिकॉज एडजस्टमेंट इज है। नेक्स्ट क्या? बिल्स पेएबल 10,000। हाउ मच? 10,000। ओके, आउटर कॉलम बिकॉज नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्या? असेट्स में क्या है? बिल्डिंग की आर्ट डाउन। कितना है बिल्डिंग? 72,000। नेक्स्ट क्या? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 60,000 इनर कॉलम। अरे बाकी सब लोग सो नहीं रहे ना, जाग रहे ना, आंसर करें। नेक्स्ट क्या? शॉप। कितने? 48,000 आउटर कॉलम में बिकॉज कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट डेटर्स कितने? 42,000। इसमें से माइनस क्या होगा? लेस आर डी टी। कितना है बेटा आर डी टी? पहले से कितना है बेटा? 2,000। ठीक है, ऐसा लिख देने का। नेक्स्ट क्या? बैंक कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट? 2,020,000। नेक्स्ट फर्नीचर इधर लिख दू? बुरा नहीं लगेगा ना? फर्नीचर इतना इधर आउटर आउटर बिकॉज नो एडजस्टमेंट। ओके नेक्स्ट। ओह माय गॉड, पोस्टिंग हो गया। चलो ठीक है, पोस्टिंग हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग? एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट क्या है? चेंज टू पे। मतलब कहने से एंट्री ऑफ कैपिटल। इसका पोस्टिंग कर ले क्या? क्या लिखा है? कैश बैंक अकाउंट। अरे कैश बैंक अकाउंट तो कैश बैंक के डेबिट में आएगा। क्या लिखने का? टू एम थ्री कैपिटल। कितना है ना? और पार्टनर्स कैपिटल की कौन सी साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड। क्या लिखने का? कैश बैंक अकाउंट डैश डैश। कितना? चलो नेक्स्ट, ये वाला एंट्री हो गया। ओके डन। चलो सेकंड एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक के कौन से साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे। क्या लिखेगा? गुडविल। कितना है गुडविल? 40,000। गुडविल के कौन से तरफ जाएगा? क्रेडिट साइड पे। कैश स्लैश बैंक अकाउंट। कितना? अरे ध्यान है ना आप लोग का, क्या मैंने ये वाला एंट्री कर लिया? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है। क्यों? दंत मंजन करते हो क्या? ठीक है चला जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस गुडविल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल और एम्स कैपिटल कहाँ जाएगा गुडविल के? अरे गुडविल की कौन सा तरफ जाएगा? डेबिट साइड पे। क्या लिखोगे? टू एम्स कैपिटल और टू एम टू कैपिटल। कितना है बेटा? 20,000 है। अरे है ना, इसका दूसरे पे कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल पे क्रेडिट साइड पे। क्या लिखोगे? पाई गुडविल। एम वन में कितना आएगा? एम टू में कितना आएगा? ओके ठीक है। चलो क्या हम लोग ने तीसरा एंट्री कर लिया? चलो फोर्थ वाला एंट्री क्या लिखा है? एम वन कैपिटल अकाउंट डेबिट एम टू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अच्छा तो कहाँ आएगा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल के क्या लिखेगी? टू कैश बैंक अकाउंट 10,000 एंड 10,000। नेक्स्ट कैश बैंक कौन सी तरफ जाएगा? क्रेडिट साइड पे। क्या लिखोगे? बाय एम वन कैपिटल। बेटा एम वन मतलब आप लोगों को पूरा नाम लिखे क्या? मेरा एग्जाम हो गया बेटा, मैं पास हो गया। एग्जाम किसके है? बाय एम टू कैपिटल। कितना आएगा? 10,000 एंड 10,000। अरे सर मतलब देखो एडजस्टमेंट नंबर वन हमारा खत्म हो गया, कैपिटल भी हो गया। ओके ठीक है, उसके बाद क्या लिखा उन्होंने? असेट्स इज रीवैल्यू है ना। बिल्डिंग कितना है? ओके बिल्डिंग देखो पहले कितना था, अभी कितना हो गया, मतलब कितने से बढ़ा? अरे चलो देखना पड़ेगा।
ऐड करना पड़ेगा रीवैल्यूड कितने से बढ़ा बताओ 28,000 से बढ़ गया मुझे तो सर मेरा असेट्स इंक्रीज हुआ प्रॉफिट वाला लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ कहाँ जाएगा सर प्रॉफिट कहाँ जाएगा प्रॉफिट है तो असेट्स में कौन सा साइड पे क्रेडिट साइड पे क्या यू बाय जाहिल लोग एकदम जाहिल हो आप लोग अरे बेटा असेट्स क्यों लिखेगा क्या लिखने का जाहिल लोग बिल्डिंग्स ठीक है 20 चलो नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया बेटा प्लांट एंड मशीनरी 48,000 पहले कितना था ओ माय गॉड सर कम हुआ है बड़ा कितने से कम हुआ 12,000 अरे ना चलो इधर ब्रैकेट में करेंगे ऐड करूं लेस करूं क्या लिखने का री वैल्यू बताओ सर री वैल्यू लिखा 12,000 कम हुआ प्रॉफिट हुआ है लॉस लॉस कहाँ लिखने का पीरियड के डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे टू असेट्स लिखो प्लांट एंड मशीनरी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिया है आरबीडी इंक्रीज अप टू मतलब उन लोगों ने बोला अभी कितना हो गया 4,000 हो गया पहले कितना था देखो मतलब यहाँ से अपने को माइनस कितना करना है यहाँ से तो 4,000 ही माइनस करना है पर मुझे बताओ सर इफेक्ट कितने का आएगा ये तो कंफ्यूजन है पहले से हम लोग ने कितने का इफेक्ट दे दिया और अभी कितना करना है अपने को 4,000 मतलब 2,000 में कितना ऐड करूंगा तो 4,000 हो जाएगा अच्छा मुझे बताओ सर इफेक्ट किसका देना चाहिए लॉजिक बताओ 4,000 का ये वाले 2,000 का कि ये वाले 2,000 का वो वाले 2,000 का मतलब कौन सा वाला 2,000 अच्छा बताओ सर ये लायबिलिटी आरबीडी असेट्स असेट्स देखो पहले इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ ना बेटा देखो ना पहले 42 था उसमें से 2,000 माइनस करने दो तो असेट बचा कितना था 40,000 का अभी कितना बचेगा अभी कितना बचेगा बेटा 30 मतलब अल्टीमेटली असेट्स क्या हुआ सर डिक्रीज हुआ प्रॉफिट वाला लॉस हुआ लॉस हुआ कितना 2,000 तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यूनिट में क्या जाएगा डेबिट साइड पे क्या लिखने का आर डी डी कितना सर सर ये 2,000 कैसे आया तो देखो सर नया आरडीडी था 4,000 उसमें से पुराना वाला आरडीडी था 2,000 तो बचा हम लोग को एडिशनल देना पड़ा कितना इज दैट क्लियर चलो नेक्स्ट करिए ये तो हम लोग ने कर लिया ये वाला एंट्री कर लिया हम लोग नेक्स्ट क्या सुंदरी क्रेडिटर्स री वैल्यू जरा कितना है सुंदरी पे कितनी थी 66 की थी अभी कितनी हो गई बेटा पहले 60 की थी अभी कितनी हो गई 66 ऐड करके क्या लिखेंगे री वैल्यू कितना सर 6,000 अच्छा वो सर लायबिलिटी बढ़ गया प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ जाहिल लोग लायबिलिटी बढ़ गया प्रॉफिट वाला लॉस हुआ लॉस हुआ क्या हुआ किधर आएगा बेटा लॉस किधर आएगा डेबिट साइड क्या लिखेंगे टू क्रेडिटर्स या फिर सेंडरी क्रेडिटर जो भी कितना बेटा 6,000 अच्छा नेक्स्ट ओ माय गॉड क्वेश्चन हो गया अभी क्या करने का टैली करने का चलो टैली करने के पहले सबसे पहले कौन सा अकाउंट टैली करेंगे फिर क्या क्लोज करेंगे इसका बैलेंस कहाँ डालेंगे फिर इसको क्लोज करेंगे फिर इसको क्लोज करेंगे फिर इसको टैली करेंगे चलो करते हैं फटाफट ये कितना है अच्छा आप लोग डेबिट कार्ड पे करो मैं क्रेडिट कार्ड करूँ ये क्रेडिट कार्ड टोटल इज हाउ मच 28,000 डेबिट कार्ड टोटल इज हाउ मच बेटा डेबिट कार्ड टोटल कितना है 20,000 है ना तो बैलेंस कितना बचा 8,000 प्रॉफिट वाला लॉस हुआ बेटा ये 8,000 प्रॉफिट है कि लॉस है अरे 8,000 प्रॉफिट है कि लॉस है 8,000 प्रॉफिट है कि लॉस है प्रॉफिट में से लॉस माइनस किया तो ये जो 8,000 बचे ये प्रॉफिट है कि लॉस है प्रॉफिट है अरे नहीं समझा
अरे तू बार बार लॉस क्यों बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट के लॉस है, लॉस लॉस मेरा प्रॉफिट है। कैसे सिंपल लॉजिक है, ये जो 28,000 मेरा टोटल प्रॉफिट है उसमें से मैंने लॉस क्या कर दिया सर, माइनस कर दिया, तो ये जो 8,000 बचा ये मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। इज दैट क्लियर? यस। और उसको प्रॉफिट बोल रहे थे तुम लोग ने अपना आंसर ही चेंज कर दिया। अरे ठीक है, क्या लिखेगा टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल को अंडरलाइन करके नाम लिख देगा मनीषा माधुरी माधुरी और चलो ठीक है। कितने सर ओल्ड रेशियो इज हाउ मच? 3:2 बेटा 3:2 8,000 को 3:2 में डिवाइड कर दो बेटा, नहीं आएगा आपको करने का ना बेटा, 5 है ना, 8,000 डिवाइडेड बाय 5 करो। अरे करो, मेरे सामने क्या देख रहे हो? पता है मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान, इसका मतलब पूरी मेरे सामने देखोगे कितना आएगा बेटा, पापा ने विश्वास करो इसमें आपकी मर्जी बेटा। चलो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ कर लेते बेटा, 8,000 है, 8,000 डिवाइडेड बाय अच्छा 5 1 6 16 अरे ना, और इधर कितने हैं 3:2 चलो 1600 का डबल करो बेटा 3,000 अरे ना 3,200 4,000 अरे बोला तो सही बोला बस, अरे समझा। अच्छा डेबिट से कहाँ जाएगा, अरे डेबिट से कहाँ जाएगा क्रेडिट बताओ, क्या लिखो इधर 5 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कितना 4,000 1,20,000 18,000 क्या लिखेंगे? 2 बैलेंस कैरिड सर, डेबिट से कहाँ जाएगा? डेबिट से कहाँ जाएगा? क्रेडिट सर, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड कौन सा होता है? लायबिलिटी। क्या लिखेंगे? कैपिटल को अंडरलाइन करके मनीषा कितना है सर? मनीषा का कितना है? माधुरी है, सॉरी 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 बेटा माधुरी बुला रहे कितना बेटा 94,800 फिर कौन सा है? मनीषा कितना है? मनीषा सर आप खड़े हो कैसे दिखेगा? 1,13,200 बेटा 200 फिर मोहिनी 1,00,000 बेटा क्या करेंगे हम इसको ऐड कर देंगे करो बेटा नहीं करोगे? नहीं करोगे बेटा इधर करो, देखो 1,00,000 1,02,00,000 होगा। अच्छा 90,000 प्लस 10,000 3,00,000 हो गया, अरे 3,00,000 हो गया, 4,000 प्लस 3,000 7,000 हो गया, प्लस 1,000 कितना हो गया 8,000 कितना आ गया 3,00,000 1,60,000 1,60,000 में से कितना माइनस करना है
20 बचा कितना 1,40,000 ये तो 1,40,000 बचे इसको क्या बोलेंगे बाय अरे बोलो बाय पेरेंट्स कैरिंग डाउनसर पेरेंट ठीक से कहा जाएगा डेबिट में डेबिट मतलब कौन सा साइड असेट साइड बेटा ब्रेकअप हो गए थर्ड बेंच अरे तू ही है एक दो तीन अरे मैं तू ही है क्या हो बेटा टेंशन क्यों है ध्यान नहीं ना बोला उसे ना बोला तो ध्यान देना बेटा बैलेंस कितना है 1,40,000 क्या लिखेंगे इसको कैश स्टैश कितना 1,40,000 इज इट क्लियर तो अभी क्या करेंगे क्लोज करेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस वो नींद में रह सो उठा उठा लेंगे ठीक है चलो आ जाओ इधर टोटल करते ना बेटा 3,00,000 प्लस 60,000 कितना हुआ 3,00,000 3,60,000 प्लस 10,000 3,70,000 ठीक है कितना है सर 3,00,000 तो यहाँ लिख दिया 3,70,000 ओके 8,000 प्लस 6,000 8,000 plus 10,000 1,10,000 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 1
4000। इसी तरीके से हमारा अकाउंट क्या होते हुए सर टैली इज रेड हियर। अच्छा सर ये वाले क्वेश्चन में नया पॉइंट दिया था आईपीएस क्वेश्चन में दिया था क्या? अच्छा सर जब आईपीएस क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तो अपने को सैक्रिफाइस रेशियो क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? पक्का? यस। ओके में जाता है। अच्छा Thank you.